हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक जर्मन एमएनसी कंपनी में निकली हुई जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है, इनके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जहां पर साइट इंचार्ज और टेक्नीशियन की बहुत सी पोस्ट खाली है। और जिसके लिए इन्होंने अपना ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी करके बताया हुआ है कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट लोग का ITI या फिर डिप्लोमा या फिर जिन कैंडिडेट लोग का BE कम्प्लीट है, तो वे लोग इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आगे चल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है, आप लोग को सैलरी का पैकेज भी आपके क्वालिफिकेशन के वाइज ही दिया जाएगा, जो कि 12,000 रुपये से लेकर के यहाँ पर 18,000 रुपये तक की सैलरी जाएगी। किस क्वालिफिकेशन वालों को कितनी मिलेगी, हम इसका फुल स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। और ओवर टाइम भी आपको अच्छा खासा दे दिया जाएगा, और एज लिमिट क्या रखी गई है, और भी कई सुविधाएं हैं और जानकारी है जो कि आपको वीडियो में आगे चल करके मिलने वाली है। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जर्मन MNC कंपनी में निकली भर्ती, और ये जो नेम ऑफ पोस्ट है, अर्जेंट हायरिंग इन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो ये अर्जेंट हायरिंग होगी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और जब पोस्ट डेट के बारे में देखा जाए तो 9/5/2021 को ये इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो जर्मन MNC कंपनी वेयर वी आर हैविंग सम मैन्युफैक्चरिंग फिलोसॉफी हैज रिसेंटली इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन एंड सर्विस इंजीनियर की पोस्ट। तो ये जो है, इनकी टेक्नीशियन और सर्विस इंजीनियर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने इन्वाइट किया है। अब यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट, जो कि आप अप्लाई करने के दौरान आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 10 मई 2021 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आप 10 मई से ये फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। और जब पोस्ट की डिटेल के बारे में देखा जाए तो जो नेम ऑफ पोजिशन है, साइट इंचार्ज, सिविल इंजीनियर और टेक्नीशियन, ये जो तीन यहाँ पर पोस्ट खाली है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखा जाए तो ये जो तीनों की मिलाकर के टोटल 115 सीट यहाँ पर खाली है। ITI, डिप्लोमा और BE वालों के लिए टोटल 115 सीट यहाँ पर खाली है। और जो सैलरी और फैसिलिटीज़ के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर जो कैंडिडेट IT के बेस पर अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों को 13,000 इन हैंड में यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और जो लोग डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई करेंगे, उन लोगों को यहाँ पर 15,000 के आसपास में सैलरी दी जाएगी। और जो BE के कैंडिडेट हैं, 18,000 के आसपास में इन हैंड सैलरी यहाँ पर रखी गई है उनके लिए। ये जो सैलरी एकदम फिक्स सैलरी नहीं है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये जो फ्लक्चुएट भी हो सकती है, कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। आपका जो अटेंडेंस अवार्ड है यहाँ पर, यानी कि जो बोनस है, 1,000 रुपये पर मंथ दिया जा सकता है आपको, अगर आप इनका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। और जो कैंटीन एंड रूम्स की सुविधा आपको यहाँ पर दी जा रही है फ्री। और जो नोट में कुछ देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्क एक्सपर्टाइज सैलरी में भी इंक्रीज अप टू 1,000 रुपये पर मंथ। तो आपके वर्क एक्सपर्टाइज यानी कि एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सैलरी आपकी बढ़ाई जा सकती है 1,000 पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन देख लेते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन में कौन सी आपको यहाँ पर जो पोजीशन देखने को मिलेगी। तो साइट इंचार्ज के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो BE मैकेनिकल से आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जो सर्विस इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन लोग के पास डिप्लोमा BE ये कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर BE। और जो टेक्नीशियन है, उन लोग को ITA पास होना जरूरी है। एनी ट्रेड चल जाएगा, कोई भी ट्रेड, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर हम अप्लाई करने के प्रोसेस पर भी जल्दी आएंगे। तो जो ओनली बॉयज़ यहाँ पर अलाउड हैं अप्लाई करने के लिए, और जो एज लिमिट है, मिनिमम 18 साल रखी गई है, जो कि हर पोस्ट के लिए होती है। और जो मैक्सिमम है 35 साल है। तो 18 से 35 के बीच जो भी हैं, वे सभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं। अब जो फ्रेशर्स और कैंडिडेट यहाँ पर, जो एक्सपीरियंस, दोनों यहाँ पर अलाउ किए गए हैं। अगर आप कहीं और भी काम कर चुके हैं पहले, तो भी आप एलिजिबल होंगे, और फ्रेशर्स भी, सभी लोग जा सकते हैं यहाँ पर। अब जो सिलेक्शन में जो प्रोसीजर देखते हैं, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए, तो इच्छुक उम्मीदवार अपना रिज्यूम इस ईमेल में भेजें, जो कि ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, anita.dorai@resume, यहाँ पर आपको एक अपना रिज्यूम भेजना होगा। और या फिर अगर रिज्यूम नहीं जा पा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो इनके अप्लाई लिंक पर भी क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अपना जो भी डिटेल मांगेगा वो, तो आप यहाँ पर भर दीजिए। जॉब की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने अप्लाई करने के लिए लिंक भी नीचे मैं देख रखा हुआ है, आप वहाँ पर आ जाइए और आप इस पेज में आ जाएंगे और अच्छे से जानकारी पढ़ लीजिए आराम से। और फिर आपको अप्लाई नाउ वाले लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म बड़ा है तो मैं इस वीडियो में भर के नहीं बताऊँगा। तो ये जो अपना नेम डाल दीजिए, ईमेल अच्छे से डालना है, फ़ोन नंबर डाल देना है, और ये सब डाल करके, ठीक है। और यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर एजुकेशन जो आपको अच्छे से डाल देना है, जो भी है आपका, उसके बाद में लास्ट में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर भी आप रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका ईमेल में नहीं जा पा रहा है तो। फिर भी कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए गुड बाय।